अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल मैस के बारे में। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म क्रिटिकल मैस? द क्वांटिटी ऑफ मैस विच इज इनफ टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन फिजन चेन रिएक्शन। फिजन चेन रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मैस इतनी हो जो कि एब्जॉर्ब कर सके जितने भी न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उस चेन रिएक्शन के अंदर। उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिटिकल मैस, जो कि हमें देता है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। लाइक इन एन एटम बॉम्ब इज कॉल्ड द क्रिटिकल मैस। हम लोग अगर एटम बम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर भी फ्यूजन चेन रिएक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलती है। इसी वजह से हम लोग बात करेंगे कि जो एटम बम होगा, जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, उनका जो मैस होगा वो क्रिटिकल मैस कहलाएगा। थैंक यू।